आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, 6 यात्री हुए घायल। हरियाणा में अपराध चरम पर, डबल मर्डर से फैली सनसनी। अब खबरें विस्तार से। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के पास धीरपुर के बीच अंबाला दिल्ली रेल मार्ग पर आज सुबह कालका हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। ये हादसा डोलाखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। 6 यात्रियों के घायल होने की खबर है। घायल यात्रियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पंचकुला सेक्टर 8 की मार्केट में जिम करने आई युवती से गन पॉइंट पर कार लूटने की कोशिश की गई, लेकिन युवती की बहादुरी के आगे बदमाश कार लूटने में असफल रहा। नई दिल्ली राजधानी के छतरपुर एक्सटेंशन इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सोमवार शाम को एक कमरे में एक युवक और युवती की लाश मिली है। युवती का गला कटा हुआ है और खून से लथपथ शव मिला है, जबकि युवक का शव पंखे से लटका हुआ था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।